नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के यूनिवर्सिटी यात्रा के इस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू में आपके दो यूनिवर्सिटी होंगी, एक तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी के नाम से होगी, या उसको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी दोनों अलग अलग वीडियोस हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बातचीत करेंगे, जहां पर आपको अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर, यूजी के लेवल पर आपको यहां पर बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड, बीए, बीएड इंटीग्रेटेड, वीवॉक के कोर्सेज और यहां पर जो है आपको बीटेक के दो कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कोर्सेज के बारे में बातचीत करेंगे कि सीयूटी के लिए कैसे मेरिट बनेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनकी, यही सारी बातें, कितने सीट्स हैं, फी स्ट्रक्चर क्या, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे आपके साथ जो होगा वो यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। चलिए वीडियो के हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोग हर एक वीडियो में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो सबसे पहले चीज ये आपका कहां पर होगा, तो ये आपके जम्मू में ही है। जम्मू में एक आपका डिस्ट्रिक्ट है सांबा। अब देखिए ना, मैं जम्मू का हूं और आप में से सब तो होंगे नहीं जम्मू के, जो जम्मू के होंगे तो समझ जाएंगे, बाकी लोगों के लिए बस ऐसे लिखा है तो पढ़ लीजिए इसको। 2009 में ये बना है, 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्ट आया था, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, उसी के अंतर्गत कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। जैसा आपने जो भी देखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा देखा, जितने भी ऐसे होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जिसका नाम, वो सारे 2009 के ही बने हैं। वैसे 2009 में ये बना था, लेकिन 2011 से ये, जैसे 2009 में आपका बिल पास हुआ, लेकिन 2011 में ये यूनिवर्सिटी अपनी पहला एकेडमिक सेशन 2011 में इसने चालू किया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारी एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे यहां पर देखने को मिल जाएगी। बाकी ये बात तो कंफर्म ही है कि जम्मू और कश्मीर में जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे वो सारे, जिसको हम लोग कहते हैं ना प्राकृतिक सौंदरता, वहां पे भर भर के होगी, ये तो नो डाउट ऐसा होगा, इतना तो आप भी समझ ही रहे हो। चलिए हम लोग मेन बात पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे इनके कोर्सेज देख लेते हैं, सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सीट क्या है और ईयर वाइज क्या फी का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले चीज, यहाँ पर आपको 5 ईयर का बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिलेगा। पहले ही बताया हूं मैं, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है कि जहां पर बीएससी और एमएससी की डिग्री आपको एक साथ मिलेगी। यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस और इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शंस हैं। अब यहां पर देखिए सीयूटी की मेरिट किससे बनेगी, इन्होंने लिखा फिजिक्स स्लैश केमिस्ट्री स्लैश बायोलॉजी, इसका मतलब तो यही होता है कि इन तीनों में से कोई एक डोमेन, और इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में भी इतनी ही बात लिखी ऐसे ही स्लैश करके। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो यह है कि इन तीनों में से कोई एक डोमेन का मार्क्स जुड़ेगा, और या तो हो सकता है तीनों डोमेन के मार्क्स जुड़ेंगे। अब ये तो थोड़ा सा हमको वेट करना होगा काउंसलिंग तक के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, यहां पर तो यहां से तो यही लग रहा है कि भाई मैथमेटिक्स, अगर इन्होंने इस तरीके से ऑप्शन दे दिया, इसका मतलब है कि चारों में से कोई एक डोमेन यहां पे, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मैथ्स और बायो दोनों के बच्चे एलिजिबल होंगे, तो या तो पीसीएम या तो पीसीबी। जूलॉजी बॉटनी ऑब्वियसली सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होता है यहां पे, फिजिक्स सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, चारों में से कोई एक डोमेन। ठीक है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई एक डोमेन अगर आप सीयूटी में दिए होंगे तो आप एलिजिबल हैं यहां के लिए। ठीक है, वीवॉक के तीन कोर्सेज हैं यहां पर, वीवॉक के तीन कोर्सेज हैं आपके, रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके लिए आपकी जो मेरिट बनेगी वो यहां पर जनरल टेस्ट से बनेगी। सारे एमएससी इंटीग्रेटेड में 40 सीट है, वीवॉक में आपके 30 सीट है। यहां पे बीटेक के दो कोर्सेज हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब देखो यहां पर भी एक डाउट है, बीटेक के टोटल 4 कोर्सेज इनके प्रोस्पेक्टस में दिए हैं, लेकिन सीयूटी के वेबसाइट पे, और इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी एक अलग से पीडीएफ दिया हुआ है, दोनों पे आपके बीटेक के 2 ही प्रोग्राम दिखाई देते हैं। कंप्यूटर साइंस जो बाकी जो 2 और बीटेक के कोर्सेज हैं वो यहां पर जो है वो इनके सीयूटी के वेबसाइट पे नहीं है, और उन्होंने जो अपने पीडीएफ में डाला उसमें भी नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में कंप्यूटर साइंस के 2 और कोर्सेज हैं, तो मैं भी उसमें एडमिशन जेई मेंस के थ्रू ले। फिलहाल ये 2 कोर्सेज हैं जिनके एडमिशन जो है सीयूटी की
सब्जेक्ट सीयूईटी के थ्रू है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो रहा होगा। 60 सीट इसमें, 30 सीट आपकी इसमें है। बीए बीएड की अगर हम लोग बात करें तो जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट यहाँ पे बन रही होगी, 50 सीट है यहाँ पे आपकी। फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अब यहां पर अगर हम बातचीत करें एमबीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड तो 5 साल का कोर्स है, इसलिए 5 साल की फीस है, 24,630 पहले, उसका 20,430 हर साल की फीस होगी। यहां पे हम लोग अगर बातचीत करें यहां पर वीवॉक के कोर्सेज के तो 20,130 और 14,430 बाकी की ईयर्स में। अगर हम बात करें बीटेक में तो 1,23,430 रुपए पहले साल की, फिर बाकी के साल में 1,20,430 रुपए फीस रहेगी। और बीए बीएड में आपकी 22,630 पहले साल, फिर 18,000 ये आपकी फीस यहां पे रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहां पर बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी यहां पे? तो पहली चीज आप ये जानते हो कि क्लास 12th में परसेंटेज की क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 50% और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन, तो उनके लिए 45%। तो 45 से 50% के आपके हो हैं क्लास 12th में तो आप एकदम पूरी तरीके से यहां के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अब यहां पर एक समस्या, एक बात सुनिएगा, यहां पर अगर आप बॉटनी या जूलॉजी की बात करते हो तो क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके 12th में होना कंपलसरी है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो आपका यहां पर केमिस्ट्री क्लास 12th में होना जरूरी है। सेम फिजिक्स, फिजिक्स चाहिए 12th में, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट चाहिए, और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यही मान के चलिए जिन मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये आपका कोर्स रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट आपके पेपर मतलब क्लास 12th में होना चाहिए, जिससे आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में होना चाहिए। बाकी वही 50-45% वाली क्राइटेरिया यहां पर आपकी। वीवॉक के लिए हम बात करें तो वही यहां पर 50 और 45% वाले ही यहां पर क्राइटेरिया है, ठीक है, वहां पर ऐसा कोई और चेंजेस नहीं, वही 50% वाली और 45% वाली ही क्राइटेरिया। बाकी यहां पे लंबा चौड़ा कहानी लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई खास मतलब नहीं उनका, ठीक है। अब यहां पर बीटेक की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो बीटेक में क्या होगा कि आपको यहां पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स या मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो मैथमेटिक्स फिजिक्स हो या तो मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस हो, आपके क्लास 12th में होगा तभी आप यहां के लिए एलिजिबल हो पाओगे। परसेंटेज क्राइटेरिया बढ़ा दी जाएगी, 60% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 55% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है, दोनों बीटेक के लिए सेम क्राइटेरिया। बीए बीएड के लिए आप किसी भी मतलब बैकग्राउंड से हो चलेगा, 50 और 45% वाले क्राइटेरिया यहां पर होगी, 50% जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 45 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें हॉस्टल्स की तो हॉस्टल फैसिलिटीज हैं यहां पर 2 बॉयज और 2 गर्ल्स के लिए, और यहां पर हर एक रूम जो है वो 3 सीटर रूम है, और यहां पर जो है वो मतलब ये स्टूडेंट की तरफ से ओपिनियन है, इनके वेबसाइट पे कोई अपडेशन नहीं है फीस को लेके। जैसे गूगल पे क्वेश्चंस करते हैं तो उस पर कुछ आंसर्स स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए होते हैं, यूट्यूब पे भी कुछ बच्चों ने अपने रिव्यूज में ये बातें बताई हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहां पे रखा है कि 12,000 इनकी फीस होगी, और मतलब एक सेमेस्टर की 12,000 रुपए के आसपास फीस होगी, और 3 से 3,500 रुपए पर मंथ इनके मेस की खर्चा आती है, मतलब खाने की खर्चा 3 से 3,500 रुपए और एक सेमेस्टर। ये सब ये तो आपके पर मंथ की बात हो गई, और बाकी 12,000 रुपए पर सेमेस्टर इनके हॉस्टल की फीस रहती है, ठीक है। तो ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की इतनी बातें हैं, जहां पर आपको बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, बीवॉक, बीटेक, और यहां पर आपको जो बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। हम लोग बहुत ही जल्द आने वाले वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पे भी लेके आएंगे, और फिर मैं उसमें आपको बताऊंगा कि वहां पे कौन कौन से कोर्सेज होंगे, तो जो उस एरिया के आसपास के बच्चे होंगे उनके लिए काफी बेहतरीन रहेगा इस यूनिवर्सिटी में जाना, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।